Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the cue card and the topic is describe a fishing area. And the questions are where it is, how do you know about it, when and with whom you went there, and how was the overall experience. Well, almost every activity that people do for fun has benefits. हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, डिप्रेशन वो भी हमारा कम होता है, हम फ्रेश फील करते हैं. तो इस टाइप के बेनिफिट्स हमको होते हैं. फिशिंग इज वन ऑफ देम. इट हेल्प्स टू रिलैक्स अवर माइंड. मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट्स टू फिश बट दे कांट एंजॉय इट बिकॉज दे लिव फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज. टूडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वेन आई विजिटेड अ फिशिंग स्पॉट. यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर इट इज, हाउ डू यू नो अबाउट इट, एंड विद हूम यू वेंट देयर. 2 months ago, I went to Kerala with my friend. My friend is from Kerala and works for a government bank in Punjab. He went home for vacation. I went there because it was a week off. Means कि मेरा एक हफ्ते की मैं भी एक हफ्ते के लिए free था वहाँ. He is good at fishing. He told me he would show me the famous fishing grounds of his hometown. Elephant Lake is a best fishing spot. The best coastal fishing such as कि यहाँ पे उसने एक जैसे मैंने एक फिशिंग एरिया के बारे में बताना था उसी का मैंने यहाँ पे नेम ले लिया. आगे है कि कौन कौन सी वैरायटी फिशेस की वहाँ पे अवेलेबल है और उसका टाइम बताया है कि अक्टूबर टू मार्च जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है फिशिंग के लिए. हाउ वॉज द ओवरऑल एक्सपीरियंस. According to the locals, the fishing Elephant Lake is considered the best place for picnic. Picnic के लिए बहुत ज़्यादा best है वहाँ पे. लोग enjoy करते हैं, fishing करते हैं, time spend करते हैं अपनी family के साथ. या क्योंकि वहाँ की जो surrounding है वो tea plantation है, green forest है और hills है, उन्हें इन सारी चीज़ों के साथ वो घिरा हुआ है. When you arrive, जब भी वहाँ पे आप एक लोकेशन पर पहुँच जाते हो आपका कैमरा हमेशा ऑन ही रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे व्यूज होते हैं जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं. द बेस्ट थिंग क्या है कि जो उसकी एंट्री है वो भी फ्री है. तो इस यहाँ पे एक जो एलिफेंट लेक है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दी है कि वो किस चीज के लिए फेमस है, कैसी दिखती है और एंट्री वगैरह उसकी कैसे होती है. ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में है कि माई ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट. आई लर्न अ लॉट न्यू थिंग्स. Lot of new things. Fishing is one of them. My friend sat next to me and taught me how to place. कि कैसे position set करनी है, कैसे जो fishing का equipment होता है उसको कैसे handle करना है, कैसे उसको पकड़ना है. तो ये सारी चीज मैंने वहाँ पे सीखी. तो overall experience वो बहुत अच्छा था. यहाँ पे मैंने एक lake के बारे में बताया आपको. जिस भी lake के बारे में ज़्यादा knowledge हो उसके बारे में आप बोल सकते हो as a यहाँ पे cue card बनाने के लिए. So this is the end of the session. If you like the video, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.